नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंठ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवेंद्र नगर द्वारा क्षेत्रीय विधायक शिवदयाल बागरी और जिलाध्यक्ष दिव्या रानी सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा गुन्नौर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले देवेंद्र नगर सलेहा मार्ग में गोलही मोड़ के पास चक्का जाम किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और किसानों के लिए काला कानून बताकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ और समापन शंखनाद और हॉर्न बजाकर किया गया। कार्यक्रम में सेवा दल के अध्यक्ष राम बहोरी द्विवेदी, तुलसीदास उर्मलिया, ककरहटी से ब्लॉक उपाध्यक्ष जावेद खान, महेंद्र यादव, स्वदेश वाल्मीक, शफीक मोहम्मद, हरि पाठक, संदीप शुक्ला सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसान उपस्थित रहे। लेके जो काला कानून ने लाए हैं, इसको हम इनसे कहते हैं कि वापस ले और किसानों के हित में जो महंगाई बढ़ी है महंगाई कम करें। और अभी तो ये चौथांगनी है और अभी इस बार बहुत भाई साहब उद्देश्य तो आप लोग सबको ही पता है। मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और ये चक्का जाम सिर्फ पूरे प्रदेश स्तर पे हर ब्लॉकों में हर तहसीलों में सब जगह किया गया है। और आप खुद ही जानते हैं कि अगर ये काला कानून आता है तो किसानों के पास ना उनका घर रहेगा ना जमीन रहेगी, सबके सब मजदूर बन जाएंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो इस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, उसके बावजूद भी आपको आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप कुछ निर्णय लें। पर सुप्रीम कोर्ट में जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर यही भाजपा के लोग ही हैं, जो कमेटी बनाई है उसमें यही लोग हैं। तो ये किसी तरह से जो इस तरह से उनको पता है कि अगर ये किसानों के विरोध में अगर इनने कानून वापस नहीं लिया तो इनकी सरकार गिर जाएगी, तो उस चक्कर में इन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाला है। तो अभी हमें क्या विश्वास किया क्या है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इन्हीं के हैं। धन्यवाद।